तो पॉइंट है। आज हमारे साथ हैं कुख्यात डेवलपर अमन तोमर जी और आज हम जंगल भ्रमण कर रहे हैं। तो अमन आप क्या बोलना चाहेंगे इस जंगल के बारे में जहाँ पे हम लोग आए हैं? आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि मोर बोल रहे हैं क्योंकि अभी दिख नहीं रहे हैं। तो हम कुछ सवाल करेंगे अमन से एनवायरमेंट के बारे में जहाँ पे वो भ्रमण कर रहे हैं जिस नेचर में। तो जैसा कि मेरा मानना है, ये चीज मेरी मानना है कि जैसे हम लोग पिंजरे में सभी जानवरों को रखते हैं, उनको पिंजरे में ना रख के उनके लिए छोटे छोटे जंगल बनाए जाएं ताकि वो अपनी आबादी अच्छे से बढ़ा सके और साथ ही अपने आप को और अच्छे से विकसित कर सके और असली जंगल का जो मजा होता है उसे ले सके। जैसे हम अपने घर में अपने आप अपना मजा लेते हैं, वैसे वो भी अपना घर समझ के उस छोटे जंगल को उसका मजा ले सके। तो आपका कहना है कि हमें छोटे छोटे जंगल बनाने चाहिए, तो इसके लिए जमीन आपके पप्पा जी देंगे? पप्पा जी नहीं देंगे, इसके लिए सरकार देगी जमीन। जैसे सरकार गरीबों को फ्लैट बना के दे रही है 4-5 मंजिल, वैसे ही कर सकते हैं हम लोग। उनका भी हक है इसी जमीन पर उतना ही जितना हमारा हक बनता है इस टॉपिक पे। हाँ, मुझे आपका ये प्रपोजल अच्छा लगा है कि सरकार का अगर इंसानों को मकान दे सकती है। हम लोग एक सब साइकिल में बंधे हुए हैं और ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगी जब तक सामने से हम अगर इस चीज को नहीं सुनेंगे और समझेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ हमारे आसपास सभी चीजों को इक्वालिटी में नापा जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आप चूहों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या उन्हें जगह मिलनी चाहिए? चूहों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, चूहे रहते हैं बिल के अंदर, तो उन्हें जो जगह मिलती है वो पर्याप्त है। वो अपनी जगह खुद ढूंढ लेते हैं और वो जहाँ रहना चाहते हैं वो स्वतंत्र हैं, उन्हें कैद नहीं किया जा रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आज यहाँ पे आप आए हैं तो इसकी वजह से शेर बाहर नहीं निकल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शेरों को हमने पूरी आज़ादी दी थी, वहाँ सही नहीं है यार।